हे गाइस, फेस्टिवल का सीजन शुरू हो गया और अगर आप देखेंगे अभी आपका नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है, उसका बाद काली पूजा है, मतलब दिवाली है, ये सब काफ़ी सारा है। और अगर आप देखेंगे अभी अभी जो है फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऊपर सेल चल रहा है, जो सेल आपको बिग बिलियन डे एंड ग्रेट इंडियन फेस्टिवल से चल रहा है, तो इसका अंदर अगर देखेंगे आप अक्टूबर महीना चला आ गया। इसका पहले अगर देखेंगे अगस्त एंड सितंबर में इतना सारा फोन लॉन्च हुआ था, क्या बोलूँ। मतलब मैं अगर मेरा अगर देखूंगा तो पहला जो साल था उससे इस साल में काफ़ी सारा ज़्यादा फोन आपको लॉन्च होने देखने को मिला। मतलब इस तरह का फोन लॉन्च मुझको अभी तक देखने को नहीं मिला, बट इस बार आ गया अक्टूबर महीने। तो अक्टूबर महीने में भी आप लोगों को काफ़ी सारा फोन लॉन्च होने देखने को मिलेगा। इसका अंदर काफ़ी प्रीमियम फ्लैगशिप फोन भी है ये लिस्ट में, तो आप आपको ये वीडियो में देख लीजिए। काफ़ी सारा ऐसा फोन है जो आप ले सकते या आपका बाइक के प्लान है तो ये सब के बारे में पता चल जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग फोन है और उसके साथ मिड रेंज के अंदर भी काफ़ी फोन है। तो चलो वीडियो शुरू करते। हे गाइस, अगर आप चैनल में नए हैं तो मैं सम्राट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो में प्लीज 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 एक लाइक देना। उसके साथ चैनल में नए होने पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके साथ अगर आप पहले से सब्सक्राइब है, एक नया सब्सक्राइबर है, तो पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाना, क्योंकि आपको किसी तरह उसके अलावा आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो जरूर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबा देना। तो हम लोग का जो लिस्ट इस बार लिया आया उसमें सबसे पहला जो कंपनी आ रहा है वो है वन प्लस। तो वन प्लस ने इस बार लंदन के ऊपर वन प्लस 3T जो ऑलरेडी लॉन्च हो गया 90Hz डिस्प्ले के साथ, उसका वन प्लस 3T का अपग्रेडेशन वन प्लस 3T प्रो आपको देखने को मिल जाएगा। तो वन प्लस 3T प्रो में क्या होगा वो देखना है। 855 प्रोसेसर है तो ठीक है, डिस्प्ले में क्या इम्प्रूवमेंट, कैमरा में की यह इम्प्रूवमेंट, ये सब हम लोग को देखना पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट जो कंपनी की बात करूंगा ओप्पो ने। ओप्पो का रेनो एस ACES जो है, ये ओप्पो रेनो एस लॉन्च करने वाला है चाइना में। तो ये जो है ये कंप्लीट एक फ्लैगशिप फोन होने वाली है, जिसमें आपको 65W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा। ये पहला कोई फोन जिसमें आपको 65W का चार्जर देखने को मिलेगा। ये चाइना लॉन्च होने का बाद ही ये महीने में हम लोग को इंडिया में लॉन्च होने देखने को मिलेगा। ये प्रोबेबली चाइना में 10th ऑफ आपको अक्टूबर लॉन्च होते देखने को मिलेगा। हम लोग का लिस्ट में नेक्स्ट जो फोन है पिक्सेल। पिक्सेल का 4 एंड 4 XL आपको लॉन्च होते देखने को मिलेगा 15th ऑफ अक्टूबर को। तो ये जो फोन है ये पहले इंटरनेशनली लॉन्च होगा अमेरिका के ऊपर, उसका बाद हम लोग इंडिया में देखेंगे। तो पिक्सेल का पहला फोन हो रहा है, पिक्सेल 4 के अंदर आपको डुअल कैमरा एंड ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा। तो हम लोग को देखना है क्या क्या इधर देता है, अल्ट्रावाइड देता है या टेलीफोटो देता है, क्या देता है वो देखना है, क्योंकि ये दो फोन में आपको काफी अच्छा इंटरेस्टिंग फीचर एंड इस बार लग रहा है इसका जो ओवरऑल डिजाइन में भी आपको काफी इंप्रूव देखने को मिलेगा। पीछे जो देखने में अभी तक लग रहा है ये आईफोन एक्स का सक्सेसर की तौर पर जो X1/11 जो लॉन्च हुआ उसको आपको देखने को लग रहा है ऐसा। नेक्स्ट जो है बोलूंगा वह है हुआई के बारे में। तो हुआई ने इस बार लॉन्च करने जा रहा है इंडिया के ऊपर मेट 30 प्रो। तो मेट 30 जो है वो तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, बट मेट 30 जो प्रो है ये आपको लॉन्च होगा उस टाइम में हम लोग को पता चलेगा। तो ये जो फोन है इसका जो प्राइस क्या होगा वो तो लॉन्च तरह ही पता चलेगा, बट इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज आपको जानने को मिलेगा। मेट सीरीज जो होता है हुआई का कंप्लीट टॉप ऑफ द फ्लैगशिप होता है, मतलब पी सीरीज से भी थोड़ा अपर वर्जन होता है। तो इसका जो कैमरा होता है कंप्लीट किलर होता है। तो इस बार देखना है ये मेट 30 प्रो में किस तरह का कैमरा देखने को मिलता है, क्या क्या देखने को मिलता है ये। और उसके साथ हुआई के ऊपर एंड हॉनर के ऊपर बैन लग गया गूगल की तरफ से, तो किसी तरह हुआई एंड हॉनर की फोन में गूगल का कोई एप्स का सपोर्ट आपको डायरेक्टली वाया कंपनी से देखने को नहीं मिलेगा, आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा गूगल का ये सब सर्विस को। नेक्स्ट जो कंपनी की बात करूंगा वो है ओप्पो। ओप्पो ने ओप्पो का K5 जो है वो चाइना में अक्टूबर का 10th में लॉन्च करने वाला है। तो ओप्पो का जो K5 है ये अगर आप देखोगे इसका स्पेसिफिकेशन रियलमी X3 का जो अपग्रेडेशन रियलमी X730G नहीं तो रियलमी X2 जो बोल रहे उसका तरह देखने को लगेगा। मतलब ओप्पो का ये फोन में आपको क्वाड कैमरा 64 मेगापिक्सल में देखने को मिलेगा, 730G देखने को मिलेगा, 4000mAh की बैटरी देखने को मिलेगा, 30W की फास्ट चार्ज देखने को मिलेगा। तो और क्या चाहिए, ये तो एकदम ही एक कॉमन फोन हो गया। तो ये फोन आपको चाइना एंड इंडिया दोनों में ही देखने को मिलेगा। चाइना में पहले लॉन्च होगा, उसके बाद इंडिया में लॉन्च होगा इस महीने की लास्ट के अंदर। नेक्स्ट जो फोन की बोलूंगा वो है A70 सैमसंग का। A70 का सक्सेसर A70S इस बार लॉन्च होने वाली है इंडिया के ऊपर।
तो ये जो फोन है इसका क्या प्रोसेसर आएगा वो देखना है, बट इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा की सेंसर आपको जरूर देखने को मिल जाएगा, ये आप कन्फर्म हो लीजिए। और इसका प्राइस आपको वो 30,000 के आसपास ही देखने को मिलेगा, बट हम लोग आशा कर रहे हैं ये फोन का अगर प्रोसेसर 712 नहीं तो 730 की तरह हो जाए तो काफी अच्छा होगा। मतलब 30,000 अगर दे रहा है तो हम लोग को 730G अगर होता है तो कंप्लीट वैल्यू हम लोग को प्रोवाइड करता है, हम लोग आशा भी कर सकते हैं क्योंकि सैमसंग करेंटली देखेंगे एम एंड ए सीरीज के साथ काफी अच्छा डील कर रहा है। मतलब एक की बार कर एक अगर फोन देखोगे ए सीरीज का ए जो 50 है A50s काफी अच्छा फोन है, हालांकि उसका थोड़ा ओवर प्राइस है, बट ए 30s जो है वो काफी अच्छा फोन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो फोन की बात करूंगा वो है हॉनर की तरफ से, तो हॉनर ने इस महीने में लॉन्च करने वाली है हॉनर का 9X एंड 9X प्रो। तो ये जो फोन है ये पहले हम लोग पता चल रहा था सेप्टेम्बर में लॉन्च होगा, बट कुछ प्रॉब्लम के लिए जो गूगल का बैन सन चला है इसके लिए हॉनर ये लॉन्च नहीं कर पाया, तो ये मन में लॉन्च होगा। तो इसमें भी आपको किसी तरह गूगल एप्स का कंप्लीट डायरेक्टली सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, बट इसमें जो प्रोसेसर है वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर 810 जो है ये अगर आप मानो तो 730G से अच्छा प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है मीडियाटेक का G90T। और 730G के जो है मीडियाटेक का जो G90T है उससे भी बेटर प्रोसेसर है क्रीन का 810। क्रीन का 810 का अगर ओवरऑल परफॉर्म देखोगे मोरलेस आपको काफ़ी हद तक 845 की तरफ परफॉर्म तो करेगा ही, उसके साथ अगर आप GPU में देखोगे GPU भी आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिलेगा ये फोन में। तो ये फोन लॉन्च होता है क्या प्राइस में, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये 17-18K के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्टली जो कंपनी की बात करूंगा वो है नुबिया की, नुबिया का रेड मैजिक 3S इंडिया में लॉन्च होगा ये महीने में। तो ये जो प्रोसेसर फोन है ये नुबिया का रेड मैजिक जो था उसका एक स्लाइट अपग्रेडेशन है, जिसमें आपको प्रोसेसर में अपग्रेडेशन उसके साथ डिस्प्ले में अपग्रेडेशन देखने को मिलेगा। तो ये फोन चाइना में 30,000 में लॉन्च हुआ था इंडियन प्राइस में अगर कन्वर्ट किया जाए तो, इंडिया में क्या प्राइस में लॉन्च होता है वो देखना है। ये अगर 35,000-36,000 के अंदर लॉन्च होगा तो आसूस का आरओजी फोन 2 को काफी अच्छा कॉम्पीट ये करेगा, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो उस प्राइस में आपको लॉन्च होते देखने को मिलेगा। एंड लास्टली हम लोग की लिस्ट में है इन्फिनिक्स, तो इन्फिनिक्स ने इस बार लॉन्च करने जा रहा है इन्फिनिक्स का और एक फोन जिसमें आपको 4 कैमरा एंड 4GB RAM 64GB का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा इस तरह का ही कॉम्पिटिटिव प्राइस के अंदर। तो हम लोग एक ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन्फिनिक्स तरफ से, हम लोग की आशा है इन्फिनिक्स इस बार जो प्रोसेसर देगा प्रोसेसर में अच्छा इम्प्रूव करेगा, मतलब P22 से छोड़कर अगर उससे बेटर कोई प्रोसेसर देता है तो काफ़ी अच्छा होगा। तो इन्फिनिक्स का ये फोन आपको ये महीने में देखने को मिलेगा। इसका अलावा भी आपको सैमसंग का जो गैलेक्सी फोल्ड है वो भी इस महीने में लॉन्च होता देखने को मिलेगा। एंड इसका अलावा आसूस के बारे में तो अभी तक पता नहीं चल रहा है, आसूस का कब जेनफोन 3 जो है जेनफोन मैक्स प्रो M3 जो है वो अभी तक पता नहीं चल रहा है वो कब लॉन्च होगा। उसके साथ आपको इस महीने में रियलमी का कोई फोन लॉन्च नहीं होते देखने को मिलेगा। एंड जो फोन के बारे में एकदम बोलने में भूल गया और उसके साथ मैं टेक्निकली एकदम लास्ट में रखना चाहता हूँ वो है रेडमी का 8 एंड रेडमी का नोट 8 सीरीज। तो रेडमी का 8 आपको रेडमी नोट 8 प्रो के साथ आपको लॉन्च होते देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑफ अगर आप रेडमी 8 का लॉन्च इवेंट की जो वीडियो था उसमें देखेंगे लास्ट में मोनू कुमार जैन ने टीज किया ये इस महीने में लॉन्च होने वाली है। तो ये जो है रेडमी नोट 8 प्रो के साथ लॉन्च होगा। और ये अगर देखोगे रेडमी नोट 8 प्रो का तो ऑलमोस्ट हर एक स्पेसिफिकेशन आपको पता चल गया रेडमी नोट 8 के साथ। तो ये जो नोट 8 एंड नोट 8 प्रो का क्या प्राइस होगा वो देखना है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं नोट 8 का जो प्राइस वो आपको 11,000 के अंदर 4+64GB देखने को मिलेगा। ठीक ऐसा है अगर नोट 8 प्रो को देखोगे तो उसमें आपको 15,000-16,000 के अंदर आपको 6+64GB देखने को मिल जाएगा। तो ये जो फोन है ये सबसे मोस्ट एंटिसिपेटेड फोन होगा इस महीने के अंदर, जो क्या प्राइस के अंदर मिड रेंज के अंदर फ्लैगशिप परफॉर्म आपको दे पाएगा क्या नहीं पाएगा वो हम लोग को देखना है। तो आप इस लिस्ट से कौन सा फोन लेने वाले हैं वो आपको नीचे जरूर कमेंट कीजिए। मैं जानता हूँ आप लोग रेडमी नोट 8 प्रो के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग वेट कर रहे हो रियलमी एक्स को नहीं लेकर। तो अगर आपको इस रिगार्डिंग कुछ भी जानना है ये सब फोन के बारे में नीचे जरूर कमेंट कीजिए, आप लोग का कमेंट 100% आंसर दूंगा। उसके साथ चैनल में नए होने पर चैनल सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको दबा देना तो इस तरह का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर पहले से सब्सक्राइब है बेल आइकन नहीं बजाया तो जरूर बजा दीजिए। और हम लोग जो ये वीडियो है वीडियो में लाइक का टारगेट रख रहे हैं चाहिए तो प्लीज लाइक करके ये फिल कर। फिर एक नया वीडियो तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।